हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 बिल्कुल अनसेफ कारों के बारे में जिन्हें आपको खरीदने की तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। क्योंकि भाइयों, ज्यादातर लोग शोरूम्स के अंदर जब कार्स देखने जाते हैं ना, तो वो उन कार्स के फीचर्स देख लेंगे, डिजाइन देख लेंगे और सबसे ज्यादा एक सवाल और पूछते हैं कि भाई ये कार माइलेज कितनी देगी। पर ज्यादातर लोग कार की सेफ्टी के बारे में पूछते ही नहीं कि भाई ये मेरी फैमिली के लिए कितनी सेफ रहेगी। क्योंकि भाइयों, आपने जो कार खरीदने के लिए जो पैसा कमाया है ना, बहुत मेहनत से कमाया है, वो इधर उधर से नहीं आया है। और भाई, जब भी आप कोई भी कार खरीद लो तो आपको पछताना नहीं पड़े। और दोस्तों, एक बात आप सोच कर देखना, आपका कोई दोस्त या कोई आपका रिलेटिव आपसे ये पूछ ले कि भाई तेरी कार ने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में कितने स्टार का स्कोर किया है, तो आप क्या बताओगे कि भाई मैंने तो ये कार सिर्फ माइलेज और डिजाइन देखकर खरीद ली और फीचर्स देख के खरीदी है, ये बताओगे आप? क्योंकि भाई, इसमें कुछ हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि भाई, आप भी तो मोटर इंसान फैमिली के मेंबर हो, तो इस वजह से हम आपको बताएंगे कि कौन सी कार सेफ है और कौन सी कार अनसेफ है। तो दोस्तों, मैं संदीप, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर पर आती है मारुति सुजुकी की वैगनर। इस कार ने एडल्ट ऑक्यूपेंट्स में 34 में से 19.69 पॉइंट्स के साथ एक स्टार का स्कोर किया है। यही इसकी चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स की बात करें तो इस कार ने 49 में से 3.40 पॉइंट्स के साथ 0 स्टार का स्कोर किया है। अब दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, उस पे आपको और भी ताज्जुब होगा। दोस्तों, ये कार सेफ तो बिल्कुल नहीं है, और पता है हर महीने कितनी बिक जाती है? 15 से 20 हजार यूनिट्स। पता नहीं इतने लोग भी इसे क्यों ही खरीद लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे आती है किया की सेल्टोस। इस कार ने एडल्ट ऑक्यूपेंट्स में 17 में से 8.03 पॉइंट्स के साथ 3 स्टार का स्कोर किया है। यही दोस्तों, इसकी अगर चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स की बात करें तो किया सेल्टोस ने 49 में से 15 पॉइंट्स के साथ 2 स्टार का स्कोर किया है। अब दोस्तों, बहुत से भाई तो ये भी बोलेंगे कि भाई 3 स्टार तो ले आई, पर दोस्तों आप शायद वो चीज भूल गए कि यही वो कार है जो दो हिस्सों में बटी थी। और दोस्तों, यही किया सेल्टोस विदेशों में 5-5 स्टार का स्कोर करती है, तो है ना दोगलापन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है दोस्तों मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। इस कार ने एडल्ट ऑक्यूपेंट्स में 34 में से 19.19 पॉइंट्स के साथ 1 स्टार का स्कोर किया है। तो मतलब दोस्तों, ये कार एडल्ट्स के लिए तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब बात करते हैं इसकी चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स की। तो इस कार ने 49 में से 16.68 पॉइंट्स के साथ 1 स्टार का स्कोर किया है। मतलब दोस्तों, ये कार ना तो एडल्ट्स के लिए सेफ है, ना ही ये चाइल्ड्स के लिए सेफ है। और दोस्तों, ये कार सेल्स में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। ये तो वही बात हो गई, सेल्स में हीरो और सेफ्टी में जीरो। और दोस्तों, विदेशों में तो स्विफ्ट भी पीछे नहीं है, फॉरेन कंट्रीज में ये कार भी 4-4 स्टार का स्कोर करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है दोस्तों मारुति सुजुकी की ऑल्टो K10। इस कार ने एडल्ट ऑक्यूपेंट्स में 34 में से 21.67 पॉइंट्स के साथ 2 स्टार का स्कोर किया है। और यही दोस्तों, अगर इसकी चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स की बात करें तो इस कार ने 49 में से 3.52 पॉइंट्स के साथ 0 स्टार का स्कोर किया है। दोस्तों, ऑल्टो K10 ने इस क्रैश टेस्ट में बिल्कुल अलग रिजल्ट दिया है, क्योंकि क्रैश टेस्ट में तो 0 है, पर इसकी बॉडी शेल इंटीग्रिटी की बात करें ना, तो वो स्टेबल पाई गई है। और इस कार का प्राइस शुरू होता है 3,99,000 से 5,95,000 तक। अब दोस्तों, इसी लिस्ट में आगे आती है हुंडई की क्रेटा। इस कार ने एडल्ट ऑक्यूपेंट्स में 17 में से 8.00 पॉइंट्स के साथ 3 स्टार का स्कोर किया है। यही इसकी चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स की बात करें तो इस कार ने 49 में से 28.29 पॉइंट्स के साथ 3 स्टार का स्कोर किया है। पर दोस्तों, बहुत से भाई ये भी बोलेंगे कि भाई 3 स्टार तो ले आई, सेफ है। पर दोस्तों, आप ये बताइए, 15-16 लाख खर्च करने के बाद 3 स्टार की सेफ्टी लेंगे आप लोग? और दोस्तों, इसी के साथ साथ हुंडई क्रेटा अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है, क्योंकि इस कार के हर महीने 13,000 से 14,000 यूनिट्स सेल हो जाते हैं। अब दोस्तों, आगे इस लिस्ट में आती है मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो। इस कार ने एडल्ट ऑक्यूपेंट्स में 34 में से 20.03 पॉइंट्स के साथ 1 ही स्टार का स्कोर किया है। और दोस्तों, इसी कार की चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स की बात करें तो इस कार ने 49 में से 3.52 पॉइंट्स के साथ 0 स्टार का स्कोर किया है। बताइए दोस्तों, ये भी कोई सेफ्टी होती है? और दोस्तों, इस कार का जिस वेरिएंट के साथ इसका क्रैश टेस्ट हुआ था, उसमें आपको सेफ्टी फीचर्स के नाम पर डुअल एयरबैग, ABS प्लस EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर्स विद लोड लिमिटर, और दोस्तों इन फीचर्स के साथ इसका क्रैश टेस्ट हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आती है दोस्तों इसी लिस्ट में मारुति सुजुकी की इग्निस। दोस्तों, इस कार ने एडल्ट ऑक्यूपेंट्स में 34 में से 16.48 पॉइंट्स के साथ 1 स्टार का स्कोर किया है। दोस्तों, इसी कार की चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स की बात करें तो इस कार ने 49 में से 3.86 पॉइंट्स के साथ सिर्फ 0 स्टार का स्कोर किया है। देख लो भाइयों, ये है इनकी सेफ्टी। और जिस वेरिएंट के साथ इसका क्रैश टेस्ट हुआ था, उसमें आपको 2 एयरबैग दिए थे। और इसके प्राइस की बात करें तो 5,84,000 से लेकर 8,16,000 तक चला जाता है। अब दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आती है किया की करेंस। इस कार ने एडल्ट ऑक्यूपेंट्स में 17 में से 9.30 पॉइंट्स के साथ 3 स्टार का स्कोर किया है। 3 स्टार तो दोस्तों ये तब लाई है जब इसके बेस मॉडल में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं।
यहीं इसकी चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स की बात करें तो इस कार ने 49 में से 30.99 पॉइंट्स के साथ 3 स्टार का स्कोर किया है। और दोस्तों इस कार का जिस वेरिएंट के साथ इसका क्रैश टेस्ट हुआ है उसमें आपको ABS, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल्स, हिल असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ISO फिक्चर सीट्स, ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों आगे आती है इसी लिस्ट में मारुति सुजुकी की अर्टिगा। इस कार ने एडल्ट ऑक्यूपेंट्स में 17 में से 9.25 पॉइंट्स के साथ 3 स्टार का स्कोर किया है। यही दोस्तों इसकी चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स की बात करें तो इस कार ने 49 में से 25.16 पॉइंट्स के साथ 3 स्टार का स्कोर किया है। और दोस्तों इस कार की बॉडी शेल इंटेग्रिटी अनस्टेबल पाई गई है। और इतना ही नहीं दोस्तों, मारुति सुजुकी की अर्टिगा अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है क्योंकि हर महीने 10,000 से 12,000 यूनिट्स बिक जाते हैं इसके। अब दोस्तों लास्ट में बात करते हैं Hyundai की i20 के बारे में। इस कार ने एडल्ट ऑक्यूपेंट्स में 17 में से 8.84 पॉइंट्स के साथ 3 स्टार का स्कोर किया है। यहीं इसकी चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स की बात करें तो इस कार ने 49 में से 36.89 पॉइंट्स के साथ 3 स्टार का स्कोर किया है। और दोस्तों इतना ही नहीं, Hyundai i20 हर महीने सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 कारों की लिस्ट में आई जाती है। तो दोस्तों ये है वो 10 कारें जिन्हें आपको लेने से बिल्कुल बचना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और भाइयों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लेना। तो जल्दी फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।